नमस्कार, मेरे और एक ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा लकड़ा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द ट्राइबल गर्ल चैनल में। आज का वीडियो होने वाला है ब्लॉग वीडियो। तो ब्लॉग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। मैं रहती हूँ जलपाईगुड़ी में, वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी में। तो जलपाईगुड़ी में एक टूर आज मारेंगे, छोटा मोटा टूर, और मेरे एक दोस्त के साथ मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो उसके साथ मैं जा रही हूँ और वो बहुत काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह के बारे अच्छे जानता है, कहाँ पे अच्छा टेस्ट है नहीं है, कहाँ पे कैसा बनाता है उसको अच्छा पता होता है। तो सोची कि क्यों ना उसके साथ में एक बजट वाला जगह में जाके ट्राई करेंगे खाने का, मोमो चाउमीन या भी कोई भी फास्ट फूड, तो वो भी ट्राई करना हो जाएगा। इसलिए भी हम लोग निकल रहे हैं। आई होप आप लोगों का ये पूरा ब्लॉग वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग वीडियो, तो एंड तक देखना है, एंड तक। तो ये है मेरा वो दोस्त जिसके साथ मैं आज जा रही हूँ। तो यही जो भी प्लान डिसाइड किया, यही डिसाइड किया कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है। तो फिर अभी हम लोग आए हैं तीस्ता स्पार, जलपाईगुड़ी का तीस्ता स्पार। वैसे तो आज बहुत ही ज़्यादा सूखा रूखा है, वैसे कोई खास देखने के लिए है नहीं। तो फिर मैं आज एक दोस्त से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ये है मेरा दोस्त सुमित, मेरा पड़ोसी, और यही आज का जो प्रोग्राम है यही बोला कि चलो हम लोग आउटिंग जाता है, और मेरा इसके साथ में फर्स्ट टाइम है, जबकि हम लोग हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त है प्लस नेबर भी है, फिर भी हम लोग आज पहली बार निकले हैं। वैसे तो यहाँ पे खासकर ज्यादा कपल्स लोग आते हैं, वैसे ऐसा नहीं कि फैमिलीज नहीं आते हैं, लेकिन कपल्स लोग आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सब साफ हो गया है तो कपल्स नहीं दिख रहा है कहीं पे। और इधर एक्चुअली यही नदी है, तीस्ता नदी है, तो इसलिए यहाँ से हवा जो बहुत अच्छा आता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो जितना भी दिखा सकती हूँ आज दिखाऊंगी। नदी भी सूख गया है, तो आज का प्लानिंग इसी का था। तो सुमित, हम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ लोग एक आंटी है, वो मोमो बनाती है, बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी चीप में मिलता है, तो उसका नाम स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स आंटी मोमो कॉर्नर दिया है। तो हम लोग उसी आंटी के मोमोज ट्राई करने के लिए थोड़ी देर के बाद में जाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर तीस्ता स्पार में है, बैठे हैं, तो रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में हम लोग वहाँ जाएंगे। और तुम जो बोला था वो जाएगा राजबाड़ी जी, अगर तुम कहो तो अगर राजबाड़ी भी चला जाएगा। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पे भी जाना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने लायक तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वहाँ पे जाने से यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत व्यू दिखा दी और उधर हम लोगों का घूमना भी हो जाएगा। वैसे तो मेरा खास जाना होता नहीं है उधर, तो ये जब आया है तो इसके साथ में उधर घूमना भी हो जाएगा, प्लस आप लोग के साथ घूम भी लेंगे। हाँ, और जो भी मेरे व्यूअर्स है वो भी देख सकेंगे वहाँ का। तो क्या बोलते है? जरूर, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं उधर। ये है एक नंबर स्पार, ये और इधर ग्राउंड टाइप का हो गया, तो इधर खेल रहे हैं, और उधर एकदम दूर में ओके टोटल 10 ऐसा स्पॉट है, और वो जो घर सब देख रहे हैं वो सेकेंड ऐसा कर करके उधर भी, और काफी सारे स्पॉट है। तो अभी हम लोग तीसरा जाने वाले थे, लेकिन फिर सॉरी तीसरा नहीं, राजबाड़ी जाने वाले थे। फिर सुमित बोल रहे हैं कि पहले मोमो खा लेते हैं क्योंकि मोमो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो फिर चलो 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 चलो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, बस मोमो खत्म नहीं होना चाहिए, कुछ भी खत्म हो जाए मोमो खत्म नहीं होना चाहिए। तो फिर अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि मेरा दोस्त सुमित बोला, हम लोग भी मोमो खाने जा रहे हैं,
तो आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, हम लोगों का जलपाईगुड़ी जो है वो वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने लायक तो नहीं है, लेकिन जो भी है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है करला नदी, और मैं आप लोगों को उधर जो दिखाई वो तीस्ता नदी था। दोनों नदी साइड एक दूसरे के साइड में ही है, मतलब अगल बगल में ही है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता है करला नदी के साइड से, और दोनों तरफ ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए, घूमने के लिए भी। और अभी जो है ये टाइल्स वगैरह लगा के और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है रास्ते को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोमो खाने, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में आप लोगों को आगे ऐसे ही मैं वीडियोज़ में डिटेल्स में बताते रहूँगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। उस वक्त मैं दिखाई थी करला नदी का उस साइड, वो उधर वाला साइड जो है, उधर से हम लोग आए, अभी इधर से हम लोग जा रहे हैं। तो इधर से ज़्यादा समझ में आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है जो करला नदी है, दिखने में कितना खूबसूरत है नज़ारा। और अभी सही टाइमिंग भी है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है और बिल्कुल शाम हो गया ऐसे भी नहीं है। तो अभी आप लोग इंजॉय करते रहिए मेरे इस वीडियो को। अभी जो है हम लोग पुलिस लाइन बोल के एक जगह है, वहाँ पे हम लोग गए थे मोमो के खोज पे, लेकिन लक इतना ही ख़राब था कि मोमो का जो दुकान है वो खुला ही नहीं था, शायद इलेक्शन के चलते। तो अभी हम लोग कहीं और मोमो खाने जा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग मोमो खाने तो आए हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, हम लोग एक्चुअली जाने कहीं और वाले थे और आ गए कहीं और। तो ये भी इसी का क्या बोलेंगे, खोजा हुआ है, मुझे तो पता नहीं था। हाँ, तो देखते हैं क्या मिलता है, कितना टेस्ट मिलता है ना। हाँ, सब खाने, मुझको मीठा चटनी, केचप केचप, कोई बात नहीं, मुझको तीखा दीजिएगा। मोमो 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 खत्म हो गया। मोमो को प्राइस के हिसाब से ठीक ही लगा, और अभी सूप सूप ट्राई करके फिर बताती हूँ आप लोगों को। वो मुझको अच्छा ही लगा, पैसे 20 रुपए में और क्या मिलेगा, इतना अच्छा तो मिला, इतना कुछ इतना सारा मिला, आजकल कहीं भी 20 रुपए में इतना मोमो मिलता भी नहीं है। सब्सक्राइब करना है आप मेरे चैनल को, एकदम। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, अगर नहीं किया तो ठीक है करेंगे। ओके ओके ठीक है, चलो बाय। अभी हम लोग आए हैं राजबाड़ी घूमने के लिए, तो हम लोगों का प्लान था उधर मोमो खाने का, लेकिन हम लोग गए तो देख रहे कि वो बंद है, अब तक आंटी खोली नहीं थी। तो हम लोग फिर इधर का जो है क्या टाउन क्लब बोलते हैं ना उसको, टाउन क्लब के पास, टाउन क्लब दीदी मोमो पर, हाँ टाउन क्लब के पास में दीदी मोमो को कॉर्नर के वहाँ पे खाए। बहुत मतलब रेंज में जो देखा जाए, कहीं ऐसी जगह में काफी ज्यादा रेंज हुआ था, तो रेंज के हिसाब से ठीक ही है। 20 रुपीज में और क्या ही मिल सकता है अभी के टाइम में, 20 रुपीज में मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग वहाँ पे खाए, उसके बाद में फिर सोचे इधर आप लोगों के साथ में व्यू भी शेयर करना हो जाएगा। इधर वैसा कुछ खास आने का मेरे को मन नहीं करता है, क्योंकि या तो फैमिली या तो कपल, मतलब दोस्त लोग भी आते हैं तो दो जन नहीं, ग्रुप में आओ ठीक लगता है, क्या बोलता है ऐसा वाला है। मतलब दो जन अगर रहते हैं लड़का लड़की तो सबको वही सोचेगा, और हम लोगों को ऐसा दिखेगा कि हम लोगों को अलग ही लगेगा, अरे यार इतना ऑकवर्ड फील दिलाता है। तो फिर भी ये बोला कि चलो एटलीस्ट चलो घूम के आता, थोड़ा टहल का था इसलिए भी हम लोग इधर आए, वरना ऐसे मेरा प्लान नहीं था। मतलब हम लोगों का जलपाईगुड़ी में तीस्ता स्पॉट और ये राजबाड़ी, ये दोनों ही घूमने वाला जगह है। तीस्ता उद्यान तो छोड़ ही दो, जो पार्क है, जो भी घूमने वाला जगह है, वहां पे एक लड़का लड़की फ्रेंड हिसाब से जा ही नहीं सकता है, ऐसे ही मेंटल दिमाग में घुसा के रखा है। अगर गया है तो भाई वो लोग भाई बहन भी नहीं जा सकता है, मतलब माँ बाबा को जाना है साथ में, अगर गया तो वही भाई कपल है कुछ भी, मतलब पूरा खराब करके रखा है। तो आप लोगों के साथ मैं व्यू शेयर करती हूँ, ये बोलना था इसलिए, ठीक है।
तो अभी और खाना तो है ना, वो उतना सा मोमो में क्या होगा, अभी तो और भी खाएगा जो मिलेगा वही जाने के टाइम में, जाने के टाइम में खाएंगे। और निकलना भी है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे इधर, क्योंकि हम लोगों को फिर कल और अलग जगह जाना है, तो उसके लिए अलग व्लॉग बनेगा। ये अलग व्लॉग, ये जलपाईगुड़ी वाला व्लॉग बन रहा है, तो देखते रहिए। तो यहाँ पे ये डिगी है, तो ये डिगी काफी बड़ा सा है, यहाँ पे देख रही हूँ बोटिंग वोटिंग भी हो रहा है, जो कि शायद हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुआ है। और इधर लाइन से जो है ये पोखरा, जो बोलेंगे पोखरा पॉन्ड, इसे कवर करके लाइन से जो है बैठने के लिए बनाया है। सबको आके यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फैमिली फैमिली रेस्ट, कपल लोग तो ज्यादा आते हैं इसलिए भी, ठीक है। तो ये वाला जो जगह है इसको और बीच में ऐसा बैठने के लिए भी, वहाँ पे जो बनाया है वैसा बैठने के लिए भी बनाया है, अच्छा है रेस्ट के लिए। तो ये डिगी को कवर करके ही है ये पूरा एरिया, और इस जगह का नाम है राजबाड़ी। दिखी इसलिए क्योंकि ये दिखी है, और राजबाड़ी भी है सामने है, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा उधर है, तो इसलिए भी राजबाड़ी नाम है, लेकिन डिटेल्स में सुमित बताएगा, बताओ। तो जैसे मनीषा बोली कि ये राजबाड़ी पार्क है, राजबाड़ी दिखी है इसीलिए क्योंकि इसके पहले यहाँ पर जैसे ये राजवंशियों का ही टाउन है, जलपाईगुड़ी ये पहले राजवंशियों का ही टाउन रहा था, और यहाँ पर जैसे राजबाड़ी है जो एक महल है, वहाँ पर राजवंशी रहते हैं, पहले वहाँ पर राजा रहते थे, वो एकदम बहुत पहले ब्रिटिश टाइम के पहले का बात है। एंड जैसे कि सूर्य नमस्कार करते हैं वो लोग सुबह में, इस डिगी में आते थे करते थे, तो ब्रिटिश आए एंड राजवंशी चले गए, फिर उसके बाद से वो ट्रेडिशन अभी भी है, राजवंशी उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लोग अभी उनके यहाँ ये लोग डिसेंडेंट्स रहते हैं। एंड अभी इसको जलपाईगुड़ी PWD काफ़ी अच्छा एक मॉडर्न रूप दिया है, इसका पार्क बना दिए, एंड यहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए आते हैं, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर रह के। ओके थैंक यू सुमित। ये है मंदिर, मंदिर यहाँ पे वैसे काफी सारा है, वहाँ पर भी मंदिर है, यहाँ पर भी मंदिर है, और यहाँ पे स्टेज ये नया बनाया है, और ये पूरा पूरा ऐसा जगह है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह होता है। हाँ सुमित बोलो, क्या बोल रहा था। एंड यही मंदिर ही है वो जगह है जिसके कारण हम लोगों का जलपाईगुड़ी टाउन हेरिटेज टाउन का खिताब पाया। कौन सा वाला मंदिर है? दो दो मंदिर है, ये दोनों ही, ये दोनों मंदिर को ही राजवंशी राजा लोग अपने लिए बनाया। वैसे ये काफी काफी पुराना मंदिर है, काफी पुराना, ब्रिटिश के आने से पहले से। तो ऐसे बैठने बैठने के लिए है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बस बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे, इतना कुछ नहीं था। थैंक्स टू SJDA, यस वो लोग बनाया है। तो यहाँ पे व्यू दिखाते, एक मिनट यहाँ से अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से मैं एक बार ले लेती हूँ। वैसे ये जो पॉन्ड है वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर से आराम से बैठ सकते हैं, स्विमिंग के लिए भी काफी कोई लोग करता है, काफी लोग फिशिंग करता है। तो ये रात में लाइट के चलते ज्यादा अच्छा दिखता है नजारा। बहुत सुंदर दिखता है रात में, और बहुत ज्यादा रिलैक्स भी लगता है। तो अभी जो है अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि शाम भी हो गई है, तो इसलिए अभी हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, बस अभी घर जाना है। अभी बज रहे हैं 6:30 हो रहे हैं, 6:30 नहीं हुए, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, घर चले जाएंगे। क्या खा लेते, सुमित को बोलिए, सुमित नहीं खाएगा बोल रहे, तो कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। फिर तो घर जाना है, घर जाके तो फिर ब्लॉग में यहीं पे एंडिंग करूँगी, ज़्यादा ब्लॉग को नहीं खींचूँगी, घर जाके एंडिंग करूँगी, तो पहले कुछ आराम से खा लेती हूँ, ठीक
उसका टाइम तो मुझे पानी आ रहा है, बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तो घर जाके मैं ब्लॉग एंडिंग करती हूँ। बाय बाय बाय। तो हम लोगों का वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में गोलगप्पे को कहते हैं फुचका। फुचका खाना हो गया। अभी जो है अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ, मैं और सुमित हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, और फिर व्लॉग तो मैं घर जाके ही एंडिंग करूँगी। तो फिर सुमित को भी बाय बाय बोल लूँगी, उसके बाद मैं घर जाके पूरा वीडियो को जो है एंडिंग करूँगी। मिलते हैं कल हम लोग फर्स्ट को जा रहे हैं, तो कल का व्लॉग भी इसके साथ में बनने वाला है, तो फिर कल मिलते हैं। देन बाय बाय सुमित। बाय बाय बाय। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं घर आ गई हूँ। तो फिर यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग जलपाईगुड़ी से रिलेटेड। तो ऐसे ही और भी काफी सारे जलपाईगुड़ी से रिलेटेड आगे भी वीडियोस जो है व्लॉग वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूंगी। सो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो क्या करना है पता ही है ना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर से जरूर करना है, क्योंकि हम वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग यूट्यूबर है वो लोगों को तो पता ही है, मतलब मेरे वीडियो जो देख रहे हैं जो अगर यूट्यूबर है तो लोगों को पता ही है एक वीडियो बनाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।